एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने महिला पुलिस अधिकारियों को नशा विरोधी अभियान में अहम भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा बेनाम तोष ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जिला सांबा में रणनीतिक रूप से महिला पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया है। नशीली दवाओं की चुनौती पर प्रभावी प्रतिक्रिया देने और इसी के साथ जिले से नार्को के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने जिला एनडीपीएस टीम इसी के साथ जिला विशेष शाखा डीएसबी और रणनीतिक पुलिस स्टेशन कर्तव्यों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित गतिशील महिला अधिकारियों को तैनात किया है। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि महिला अधिकारी विशेष रूप से कुछ संदिग्ध चिट्टा हॉटस्पॉट के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग और पार्श्व मार्गों के पास आश्चर्यजनक नाका लगाती नजर भी आएंगी। कठिन बुनियादी प्रशिक्षण के अलावा इस आपको मैं बता दूं कि महिला अधिकारी कमांडो कोर्स भी कर रही हैं और उसमें से कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त भी हैं, स्नातकोत्तर, स्नातक, इसी के साथ तकनीक प्रेमी पेशेवर अधिकारियों के पास चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पुलिसिंग के लिए आवश्यक सभी पेशेवर कौशल भी हैं। एनडीपीएस विरोधी मोर्चे पर महिला पुलिस अधिकारियों के काम महिलाओं की शिकायतों से निपटने के नियमित महिला पुलिस कार्यों के अलावा होगा, जिसके लिए पुलिस स्टेशन सांबा के परिसर में स्थित एक महिला सेल विशेष रूप से महिला अधिकारियों द्वारा संचालित भी है और महिला सहायता डेस्क विशेष रूप से महिला अधिकारियों द्वारा संचालित भी किया गया है। जिले के सभी थानों में सुचारू रूप से कार्य भी हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने एक टीम जो है वो तैयार की है और इस टीम को विशेष रूप से महिलाएं लीड करने वाली हैं।